ओ भाई साहब, क्या बात है। हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। अरे इसके बारे में मैं नाना को बताने जा रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। टिक्की 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 टिक्की। अरे नाना कैसे हो, उठो उठो नाना उठो। अरे मुन्ना सोने देना मुझे। अरे नाना उठो ना, बहुत अच्छा न्यूज है। अरे मेरी नींद खराब मत कर, बहुत ही सिर में दर्द हो रहा है। अभी दिमाग मत खा, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। अरे नाना उठो ना, आपकी नींद उड़ जाएगी, ऐसी न्यूज लेके आए। अरे ऐसी कोई न्यूज बनी नहीं जो मेरी नींद उड़ा दे भाई, मुझे सोने दे, मेरा दिमाग पक गया भाई। अभी बहुत सारा मैंने ये वेब सीरीज देखा ना, दिमाग पक गया भाई, मैं नहीं जाएगा। मैंने शहजादा भी देखा ना, अभी मैं पागल हो गया। अरे नाना उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, शहजादा आउट अक्की इन। अरे क्या पागल हो गया, ठीक से बताना क्या हुआ। अरे नाना अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। अरे शूटिंग मतलब कि पिक्चर की शूटिंग, मूवी की शूटिंग। अरे मुन्ना बताना कौन सी मूवी की शूटिंग बात कर रहे, वो वाली मूवी क्या। अरे नाना क्या डबल मीनिंग बात कर रहे हो, वो वाली नहीं, अपने अक्की की मूवी, नंबर वन मूवी। अरे कौन सी नंबर वन मूवी, अक्की की तो बहुत सारी नंबर वन मूवी है। अरे वही मीम वाली। अरे हेरा फेरी की बात कर रहा है। हाँ हेरा फेरी 3 शुरू हो चुकी है। अरे क्या फेंक रहा है, वो तो कब से शुरू बंद पता नहीं उसका क्या था भाई, वो तो अटकी पड़ी थी ना, कहीं लटक रही थी बीच में। अरे नहीं नाना, आज लेटेस्ट न्यूज आ चुकी है कि आज के दिन से शूटिंग शुरू हो चुकी है। और एम्पायर स्टूडियो जो फिरोज नाडियर वाला का था ना, उसी के अंदर मतलब कि 1991 में वहीं से शुरू हुई थी शूटिंग। मतलब हेरा फेरी 1 की वहीं से शुरू हुई और हेरा फेरी 3 की भी वहीं से शुरू हुई। अरे क्या बात कर रहे, सच में। अरे हाँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपकी कसम। अरे साले तू मरवाएगा, तू ऐसा ऐसा वेब सीरीज मेरे को दिखाता है, ऐसा मूवी दिखाता है, मैं तो वैसे ही मर जाता हूँ भाई। अभी तेरी बात सच तो मेरे को लग ही रही थी, मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना। अरे क्या बोला था, अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था, ये अक्की बहुत भाव खा रहा है भाई, इतना पैसा वैसा लेता है, मगर उसकी मूवी कमाती है कितना, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। साला चूहा बिल्ली ही होता है थिएटर के अंदर, और कोई नहीं होता भाई, मजा नहीं आता उसकी मूवी देखने में। पिछला 2022 का तो मतलब कि प्रोड्यूसर की तो टोटली वाट लगा दी। अभी इतना सारा बवंडर हुआ, मैंने तेरे को बोला था ना, उसका जब पेटी पैक लाल हो जाएगा ना, तो वो आएगा वापस, मेरे को काम दो। देखा, आया ना लाइन पे, इससे अच्छा पहले ही आ जाता। इंटरव्यू में मना किया कि मैं नहीं आएगा, मैं नहीं करेगा, मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। अरे भाई तू 100-150 करोड़ रुपया लेता है एक मूवी का, और तेरी मूवी कमाती है 10-20 करोड़, तो कैसे प्रोड्यूसर लोग तेरे को अफोर्ड कर पाएंगे यार। तू समझ ना मेरी भावनाओं का मुन्ना, तू भी समझ और पब्लिक तुम लोग भी समझो भाई, ये ऐसा वैसा नहीं है, इसको आना ही था, क्योंकि ऊपर वाले ने लिखा था कि भाई तू बहुत हवा में उड़ गया, अभी तू जमीन पे आ भाई, पैर जमीन पे ला, और तेरी वाली मूवी बना, मतलब कि एक्शन वाली और कॉमेडी वाली मूवी बना, ये दूसरी मूवीज के चक्कर में डिजास्टर देगा, तेरा भी नाम बिगड़ेगा, प्रोड्यूसर का घाटा होगा भाई, आजा। अरे हाँ नाना वो बात तो सही है आपकी। अरे मैंने पहले ही बोला था, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, मैं नाना हूँ, नाना सबका नाना, मगर मेरे को मूवी में नहीं लेते, मेरे को भी ले लो भाई, छोटा मोटा रोल ले लो, भले ही मैं नकली हूँ, मगर मेरे को रोल चाहिए भाई, छोटा तो छोटा दे दो ना भाई। अभी नाना इसके बारे में बताओ ना, क्या होगा अभी आगे। अरे कुछ नहीं भाई, ये मूवी बहुत बढ़िया जाएगी भाई, इसमें परेश रावल है ना, हाँ है, इसमें हमारे अन्ना येड़ा अन्ना भी है ना, हाँ वो भी है, और इसके अंदर अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं ना भाई, नहीं तो कौन कर रहा है भाई, ए मुन्ना बता कौन कर रहा है, फराज साम जी। अबे इसकी लग गए भाई, ये बंदा यार एंटरटेनमेंट बनाता है, पता है तेरे को, इसने हाउसफुल 3 बनाया, हाउसफुल 4 बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया यार, यार लक्ष्मी पता नहीं, लक्ष्मी बॉम्ब पता नहीं क्या था भाई, बागी 3 भी यार बच्चन पांडे अरे किसी का भाई, किसी की जान मैं पागल हो जाऊंगा। ए मुन्ना मुझे दवाई दे, पेन किलर दे भाई, वो पठान ने जो पेन किलर खाई थी ना, वो मेरे को दे दे भाई, अब तो पूरा बॉडी पेन हो रहा है, सिर तो पेन ही कर रहा था, अभी बॉडी भी पेन हो रहा है, बॉडी पेन के लिए पेन किलर दे भाई। तूने ये क्या नाम बोल दिया भाई, ये मीम वाली मूवी थी भाई, अभी ये मूवी ही पूरी मीम बन जाएगी भाई, अभी मैं क्या कहूँ यार, ये मूवी के बारे में बहुत ही खतरनाक वाइब आ रही है भाई। ए मुन्ना सच बता, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना। अरे नहीं नाना, ये बात सुन के मेरा भी सेम ही हाल हुआ आपके जैसा। अरे भाई देखो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा यार, खतरों के खिलाड़ी आप सीजन करो वो अलग चीज है, मगर आपकी मूवी के साथ खतरों के खिलाड़ी क्यों कर रहे हो अक्की भाई, हम आपके बहुत बड़े फैन है अक्की भाई, आप अपनी लाइफ को खतरों के खिलाड़ी के अंदर क्यों डाल रहे हो अक्की भाई, अभी यार डायरेक्टर चेंज करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप डिजास्टर के पीछे और डिजास्टर आपके पीछे, टू मच फन हो जाएगा भाई, एक तो मीम्स वाली मूवी को खुद ही मीम बना देगी ये।
पर वो डायरेक्टर का पिछला जितना भी काम है ना उसमें ना डायलॉग अच्छे थे। अरे भाई डायलॉग तो जाने दो, स्क्रीन राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, डायरेक्शन भी अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था भाई। अभी उसको कितना काम मिला है भाई, कोई अलादीन का चिराग है क्या जो घिस के हर मूवी में डायरेक्टर बन जाता है भाई। अरे भाई इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर है ना भाई, अनिस बदली को ला देना, भूल भुलैया 2 कितनी बढ़िया ब्लॉकबस्टर बने यार। अरे पकड़ के लाओ ना यार, प्रियदर्शन को लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को पेन किलर चाहिए। तो ये था मेरा और नाना का रिव्यू, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। हम दोनों तो पागल हो गए जैसे ही हमने नाम सुना डायरेक्टर का। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।